हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों सैमसंग कीपैड मोबाइल के बारे में। आज की नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों कैसे दोस्तों अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में आप स्टॉप वॉच सेटिंग को यूज़ करोगे। दोस्तों अपने सैमसंग कीपैड मोबाइल में स्टॉप वॉच सेटिंग को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच को कैसे ऑन करोगे, स्टॉप वॉच सेटिंग को कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने मेन्यू बटन पर टैप कर देना है। मेन्यू बटन पर टैप करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा आपके सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में। दोस्तों अगर अपने सैमसंग कीपैड मोबाइल में अगर फ़ोन सेटिंग को ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल में यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं आएगा स्टॉप वॉच का। डिस्प्ले सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखता है स्टॉप वॉच का, ठीक है। डेट एंड टाइम सेटिंग में भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दोस्तों फ़ोन की सेटिंग में भी यहाँ लैंग्वेज सेटिंग है, शॉर्टकट सेटिंग है, बट दोस्तों यहाँ पे कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा स्टॉप वॉच का। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉप वॉच कहीं भी नहीं है। दोस्तों स्टॉप वॉच को यूज़ करने के लिए आपको अपने फ़ोन में जो ये वाला आइकन आपका आ रहा है एप्लीकेशन, दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर दिखाएगा एप्लीकेशंस, ठीक है। इस पर आपको टैप कर देना, मतलब आपको ओके वाले बटन पर टैप कर देना है। दोस्तों जब आपके फ़ोन में आप इस एप्लीकेशन सेटिंग को ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको पहले FM रेडियो आएगा, FM रेडियो को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। स्टॉप वॉच यहाँ पर आपको शो हो जाएगी स्टॉप वॉच, इसको सेलेक्ट करके ऑन करना। दोस्तों जैसे कि आप कोई रनिंग वगैरह कर रहे हो, आप रेस वगैरह करते हो अपने फ्रेंड वगैरह के साथ कहीं भी, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। दोस्तों स्टार्ट के लिए आप देख सकते हो ओके बटन पर टैप कर दो, आपके फ़ोन में स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों जैसे कि जो फर्स्ट आता है इसकी, जैसे कि आप रनिंग चले उसके, मान लो दोस्तों कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं और आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, दोस्तों आप देख सकते हो जो पहले फर्स्ट आएगा रिकॉर्ड पर टैप कर देना, वो फर्स्ट हो चुका है। जो सेकंड नंबर पर आ रहा फिर आप रिकॉर्ड पर करेंगे, दोस्तों यहाँ पे ये आते रहेंगे इस तरीके से। मतलब फर्स्ट वाला था 11.28 पे था और सेकंड वाला 14.46 पे है, 22.11, 24.29, 26.50। तो आप इस तरह दोस्तों यहाँ पर आप रिकॉर्ड सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप कितने रिकॉर्ड कर सकते हो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे मैं करते ही जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें लास्ट लिमिट शायद दोस्तों 30 की होगी या फिर दोस्तों 40 की भी हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। पर दोस्तों एक बार हम चेक कर लेते हैं लास्ट हम यहाँ पे कितनी रिकॉर्ड कर सकते हैं मतलब इनको। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट यहाँ पे है स्टॉप, 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी स्टॉप वॉच भी यहाँ पे स्टॉप हो गई है, ऑफ रुक गई है बीच में। तो मतलब दोस्तों आप एक बारी में यहाँ पे 15 को रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा वापस से यूज़ करने के लिए, फिर से स्टार्ट करो। और दोस्तों आप देखते हो अगर बीच में अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हो, मतलब रोकना चाहते हो यहाँ पे कंटिन्यू के लिए, तो ओके बटन पे टैप कर देना, ये पॉज हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। वापस से टैप करो ऑन, रिकॉर्ड करोगे रिकॉर्ड 1 2 3 4, यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड करके रीसेट करना चाहते हो रीसेट कर देना। दोस्तों इस तरह से अपने फोन में स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब।